इंसानों की आबादी 7 अरब तक पहुंच गई है और हमें ये स्वीकार भी कर लेना चाहिए कि हमारे बीच कुछ पागल लोग भी रहते हैं और वैसे ही लोग कुछ अजीब चीजों का आविष्कार करते हैं। हालांकि एक पागल और एक जीनियस के बीच पतली सी भेद रेखा होती है, लेकिन हर पागल एक जीनियस नहीं होता। हमने 16 अजीबोगरीब चीजों की एक लिस्ट बनाई है जो इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि आप में से कुछ लोगों को ये चीजें उपयोगी लग सकती हैं, लेकिन सच वही रहेगा कि ये चीजें वास्तव में विचित्र हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने 16 अजीबोगरीब आविष्कार प्रस्तुत करते हैं और पूरी लिस्ट देखने के लिए अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहे। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। नंबर 16, क्वैक डक बिल म्यूजियम फॉर डॉग। यदि आप अपने कुत्ते के दिन ब दिन भौंकने से परेशान हैं और आप उसे कुछ घंटों के लिए चुप कराने के लिए मर रहे हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और आज ही इस आविष्कार को आजमा सकते हैं। यह आविष्कार आपके कुत्ते को पहनाने के बाद वो कुछ समय के लिए भौंक नहीं पाएगा, यानी शांत रहेगा। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए कुत्ता अपने परिवार का एक प्यारा सदस्य होता है, तो वे लोग उनसे बहुत प्यार भी करते हैं, तो वे लोग इस आविष्कार से दूर ही रहें क्योंकि उन्हें यह आविष्कार कुछ खास पसंद नहीं आएगा। नंबर 15, द ऑस्ट्रिच पिलो। अब जरा इस इन्वेंशन को देखिए, आपको देख के ही अजीब लगेगा कि अपने सर को इसमें डालकर यह इंसान क्या कर रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये एक तकिया है जो ऑस्ट्रिच नामक पक्षी से प्रेरित है। आपने कई सारी फिल्मों में या कार्टून में जरूर इस पक्षी को देखा होगा। ये सोते वक्त अपना सर जमीन में डाल देता है, लेकिन इसकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसकी कीमत $130,000 है। अगर हम इसे रुपयों में देखें तो उसकी कीमत होगी लगभग 1 करोड़ रुपए। अरे भाई साहब, इसमें तो इंडिया में 2 घर आ जाए। नंबर 14, द एब हैंस। हम सभी जानते हैं कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें 6-पैक एब्स पाने के लिए हर दिन कसरत करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन याद रहे कि हम तकनीक के वंडरलैंड में रह रहे हैं जहाँ सब कुछ संभव है, यहाँ तक कि बिना वर्कआउट किए एप्स भी। आपको बस इसे अपने मोटे पेट पर रखना है और तब तक इंतजार करना है जब तक कि आप एक मॉडल की तरह सपाट और सेक्सी ना हो जाएं। नंबर 13, आयरोनियस द कॉफी मग आयरन। यदि आप एक हाउसवाइफ हैं और आपके पास सभी कार्य को करने के लिए समय नहीं है और ऐसे उत्पाद की तलाश है जो आपको मल्टीटास्किंग करने में मदद कर सके, तो आयरोनियस आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। आप एक ही गैजेट से अपने कपड़ों पर आयरन करते हुए कॉफी के 2 घूंट भी गंभीरता से ले सकते हैं। आप काम करने के साथ साथ गरम गरम कॉफी का मजा भी ले सकते हैं। नंबर 12, फुट पावर्ड बाइक। हम जानते हैं इस पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस तस्वीर में आप जिस बाइक को देख रहे हैं वह वास्तव में मौजूद है। किसी ने सचमुच इस विचार के साथ दिमाग लगाया, निवेशकों को समझाया कि यह उपयोगी हो सकता है और इसे निर्मित किया जा सकता है। जाहिर तौर पर यह शहरी वातावरण में साइकिल चलाने को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है, लेकिन बिना पैडल और सिर्फ पैरों से चलने वाली साइकिल को समझने के लिए आपको 100 से ऊपर IQ की जरूरत होगी। नंबर 11, एंटी प्रीवर्ट हेयरी स्टॉकिंग्स। यदि आप एक खूबसूरत लड़की हैं और गर्मी के मौसम में शॉर्ट्स पहनना पसंद करती हैं, लेकिन लड़कों को अपनी टांगे नहीं दिखाना चाहती, तो स्टॉकिंग्स आपके लिए ही बने हैं। इससे आपके पैर ऐसे दिखेंगे जैसे उन्हें सदियों से शेव नहीं किया गया हो। यह न केवल आपको लड़कों से दूर कर देगा और बुरी नजर वालों को भी आपसे दूर कर ही देगा, जिससे कोई भी आप पर गंदी नजर नहीं डालेगा। है ना कमाल का इनोवेशन, जो बिना कुछ भी किए लड़की को बचाता है और लड़कियों को भी जो पहनना है उसे आजादी भी देता है। नंबर 10, शावर माइक। क्या बाथरूम सिंगर है? हाँ, शर्मिंदा मत हो, हम सब हैं। इसलिए स्पंज से बना शावर माइक आता है जो आपके अंदर पड़े सिंगर को बाहर ला सकता है। शावर माइक सचमुच बिल्कुल उपयोगी हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों ने इसे अमेज़न पर खरीदा है और इसे अच्छी रेटिंग भी दी है। क्या आप ऐसे माइक को खरीदना चाहेंगे? हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 9, बनाना स्लिप केस। जापान राष्ट्रों के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जो कुछ सबसे पागल आविष्कारों के साथ आता है, और केले की पर्ची का मामला इसका एक प्रमाण है। यह आपको केले के मूल रूप से गंदगी से बचाने के लिए एक प्लास्टिक कवर है, जो कि यह देखते हुए बेकार है कि काम करने के लिए त्वचा पहले से ही है। नंबर 8, फ्लैक्स टाई। कल्पना कीजिए कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आपको शराब पीने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है। अब आप कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास है फ्लैक्स या इस तरह की कोई टाई ना हो। फ्लैक्स टाई में ब्लेंडर छुपा होता है जिसका उपयोग शराब सहित किसी भी प्रकार के लिक्विड को ले जाने के लिए किया जा सकता है। तो अगर आप काम के बीच में तनाव महसूस कर रहे हैं तो आपकी टाई हमेशा आपको बचाने के लिए है। बस एक छोटा सा घूंट लें और फिर आनंद लें। नंबर 7, हेड माउंटेड टॉयलेट पेपर डिस्पेंसर।
आपको लगेगा कि इससे ज्यादा अजीब और क्या हो सकता है। यह एक पोर्टेबल टॉयलेट पेपर डिस्पेंसर है। यह डिस्पेंसर वास्तव में पूरी तरह से बेकार नहीं है। इसके बारे में सोचें, जिन्हें जो काम है वो सिर्फ एक ताजा कागज निकाल सकते हैं और अपनी नाक साफ कर सकते हैं और इसे साफ और सरल तरीके से फेंक सकते हैं। लेकिन हमें यकीन नहीं है कि टिश्यू पेपर रखने के लिए कितने लोग कार्टून की तरह दिखने को तैयार हैं। नंबर 6, शू अम्ब्रेलास। जापानी अपने भयानक और पागल विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या आपको पता है कि वे इन पागल जूता छतियों के साथ क्या सोच रहे हैं? ये आपके पैरों को बारिश में सूखा रखने के लिए है। ये जूतों के छाते आपके महंगे जूतों की उम्र बढ़ा देंगे, लेकिन हम शर्त लगाते हैं कि आप जूते नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि ये पहनने के बाद एकदम अजीब से दिखते हैं। अगर आप ऐसे अजीब जूते पहन के चलेंगे तो लोगों की नजर आपसे हटेगी नहीं और आपको एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग्स आएगी। नंबर 5, किटन बियर्ड हैट। सर्दियों के मौसम में कुछ लोग टोपी पहनना पसंद करते हैं, लेकिन अभी के टाइम में ज्यादातर मर्द दाढ़ी रखना पसंद करते हैं और वो भी फुल शेव। ये इन्वेंशन उन दाढ़ी रखने वाले मर्दों के लिए है जो अपने सर के साथ साथ अपनी दाढ़ी को भी ठंड से बचाना चाहते हैं। ये नया इन्वेंशन आपके सर के साथ साथ पूरी दाढ़ी को भी कवर कर लेगा और ये देखने में थोड़ा नहीं ज्यादा अजीब लग सकता है। नंबर 4, द डॉग ब्रेला। जब बारिश का मौसम आता है तो सबको छाते की याद जरूर आती है, तो सब इंसान तो छाते का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे नाम में ही सीधा अर्थ छुपा हुआ है कि ये अम्ब्रेला इंसानों के लिए नहीं बल्कि डॉग के लिए है, जो डॉग को बारिश से बचाती है और वह जल्दी बीमार भी ना पड़े इसका वो ख्याल रखती है। वैसे कई एनिमल लवर्स इसे खरीदना चाहेंगे। नंबर 3, डीन इंक पेन कैप। स्टूडेंट पेन को लिखने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं, लेकिन क्या हो जब आप पेन का लिखने के साथ साथ खाने में भी इस्तेमाल कर सकें? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस अजीब इन्वेंशन के बारे में जिसका नाम है डीन इंक पेन कैप। ये बेसिकली पेन के ढक्कन है जो पेन ढकने के काम आता है, लेकिन इस पर कुछ ऐसे आकार बने हुए कि वह चम्मच की तरह काम कर सकते हैं और इस पेन की मदद से लिखने के बाद खाने का इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2, द साइलोमेड। जैसे नेचर में कुछ प्रजीव ऐसे भी होते हैं जो जमीन और पानी दोनों पर आसानी से चल सकते हैं, इसी आइडिया के साथ इस साइकिल को 1932 में फ्रांस में लॉन्च किया गया था, जिसके दोनों ही पहिया अंदर से खोखले थे, जिसके कारण ये साइकिल जमीन पर तो चलती ही थी उसके साथ साथ पानी में भी चल सकती थी। यह बिल्कुल भी अजीब इन्वेंशन है जो पानी पर भी चल सकती थी। नंबर 1, मोनोव्हील मोटर बाइक्स। मोनोव्हील मोटर बाइक फनी दिखती है और ऐसा लगता है कि वे बेहद खतरनाक, अव्यवहारिक और इसमें शामिल होना एक बेवकूफी भरी चीज होगी। जब वो पहली बार 1860 के दशक में दिखाई दिए तो यह सोचा गया कि वो परिवहन का एक वास्तविक रूप बन सकते हैं। सौभाग्य से ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन लोग अभी भी मनोरंजन के लिए उनकी सवारी करने की कोशिश करते हैं। उनके साथ इसमें स्थिरता, सीमित वाहन क्षमता और शायद सबसे प्रफुल्लित करने वाला बैलेंसिंग का जोखिम शामिल है। एक समस्या और है जो तब होती है जब उपयोगकर्ता बहुत मुश्किल से ब्रेक लगाता है और बल गुरुत्वाकर्षण के सामान्य बल को नकार देता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक चालक जैसे मानो अपने आप उड़ने लगता है ना अजीब आविष्कार। अब आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा आविष्कार आपको सबसे अजीब लगा और क्या आप ऐसे ही दूसरे अजीबोगरीब आविष्कार के बारे में जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।